आज के प्रसार भारती के 91 FM ट्रांसमीटर्स 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उद्घाटन समारोह में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो कि लेह से जुड़े हुए हैं वो स्वागत भाषण दें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विभिन्न राज्यों के जुड़े हुए देश के कोने कोने से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्रीगण, सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सभी राज्यों के मंत्रीगण और लेह से जुड़े हुए आदरणीय एलजी महोदय, सांसद महोदय और देश भर के 18 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरी से जुड़े हुए सभी माननीय सांसद और विधायकगण, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन लोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये 2 यूनियन टेरिटरीज और 18 राज्यों के कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, मनोरंजन के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटर्स के माध्यम से हर ट्रांसमीटर लगभग 12 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करता है और हजारों वर्ग किलोमीटर इससे कवर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हालांकि रेडियो की शुरुआत तो 1930 में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना, लेकिन जिस तरह से आपने एनालॉग से डिजिटाइजेशन की ओर जाने का निर्णय 2017 में किया और आपने कहा कि जन जन तक, दूर सुदूर गांव तक रेडियो की सुविधा को पहुंचाना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो ने, आकाशवाणी ने उस दिशा में कदम उठाए और हमें सबसे बड़ा बल तब मिला जब आपने मन की बात का कार्यक्रम की शुरुआत, अक्टूबर 2014 में विजयदशमी के दिन जब आपने इसकी शुरुआत की, उसी पहले कार्यक्रम से देश के लोगों ने इंतजार किया अगले महीने के रविवार का कि कब उसको सुनेंगे। 14 मिनट से 19 मिनट, फिर 23 मिनट, अब 30 मिनट का यह कार्यक्रम 99 एपिसोड अपनी पूरी कर चुका है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, एक सर्वे में अभी पाया गया कि 100 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और 23 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो हर महीने इसको सुनते हैं, 45 करोड़ ऐसे जो इसको अपना हर महीने सुनने की आदत बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह है कि भारत की बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी 62% के लगभग मन की बात को सुनते हैं। तो जो लगता था कि रेडियो के बाद टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के आने के बाद क्या रेडियो की भूमिका क्या रहेगी, आपके मन की बात ने सबके मन को छुआ भी है, दिल को छुआ है और उन लोगों की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं भारत की जनता की ओर से और अपने विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकाशवाणी को इसका माध्यम चुना। आज भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क FM का आकाशवाणी बना है, हमारे 262 स्टेशन है और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, हम विदेशी लैंग्वेजेस में भी इसका प्रसारण करते हैं और न्यू इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हम आकाशवाणी के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपने कहा है विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत के इस संकल्प में आकाशवाणी भी अपनी भूमिका निभाए वो हम प्रयास करेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ने के लिए। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में हम चाहेंगे आकाशवाणी भी कुछ भूमिका निभाए, देश के दूर सुदूर गांव में भी हम आपकी सोच को, आपकी योजनाओं को और आपके नेतृत्व में
भारत को आगे बढ़ाने के इस प्रयास को करेंगे। आप जुड़े हैं, आपने आशीर्वाद दिया। मैं सभी की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, एलजी साहब की ओर से, सांसदों की ओर से और केंद्रीय मंत्री, इन सब की ओर से और भारत की जनता की ओर से एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि एक प्रसार भारती में बनाई हुई शॉर्ट फिल्म उसको दिखाया जाए। जब समय सीमित हो तो यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती यह नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। कवर द अनकवर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प रोज नई सिद्धि हासिल कर रहा है। इसी दिशा में वंचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। देश के वो क्षेत्र जो अभी तक AIR FM कवरेज से वंचित थे, ऐसे 91 जगहों को चिन्हित कर 100 वॉट के FM स्टेशनों का शुभारंभ हो रहा है। AIR FM की नई पहल से 2 करोड़ लोगों को सीधे लाभ होगा और कवरेज में 35,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। लोगों तक सटीक सूचनाएं और स्वस्थ मनोरंजन की पहुंच बढ़ेगी। आकांक्षी जिले हों या वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, दूर सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र हो या ऐसे इलाके जहां अभी तक AIR FM स्टेशन नहीं था, अब मिलेगा उन्हें भी अपना नया स्टेशन, जिससे स्थानीय भाषाओं को और भी समृद्धि मिलेगी। वहीं लोक संस्कृति और लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन होगा। इन प्रयासों से सूचना क्रांति की सदी में अब तय होगा सटीक और भरोसेमंद सूचनाओं से सुशासन और विकास का रास्ता। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरी देश की ताकत गांव में है, मेरी देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। ये है अमृत काल का भारत, जहाँ संपर्क, संचार, सूचना का रोज नया विस्तार है। नए भारत के रंग अब आपके शहर में नए रेडियो AIR FM के संग। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट बटन दबाकर 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करें। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मार्गदर्शन भाषण कर हमारा उत्साह वर्धन करें। नमस्कार जी। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में
पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसके अलावा
एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मछुआरे साथियों को मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद हमारे लघु उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने में बेच पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है। साथियों, बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। यही रिवॉल्यूशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं। जैसे आज देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4,30,00,000 घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा उसे भी फ्री डिश से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिल रही है। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफलता मिली है। आज डीटीएच चैनलों पर विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान सीधे आपके घर तक पहुंच रहा है।
कोरोना काल में इसने देश के करोड़ों विद्यार्थियों की बहुत मदद की है। डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो, इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है। हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। साथियों, एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है, लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया है। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसे भली भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रहालय हो, बाबा साहब आंबेडकर के पंच तीर्थ का पुनर्निर्माण हो, पीएम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसी पहलों ने देश में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना। 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना। ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। एक बार फिर आकाशवाणी को, देश के दूर दराज के क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।